हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो कैमन 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का गूगल असिस्टेंट काम नहीं कर रहा है, गूगल असिस्टेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का गूगल असिस्टेंट काम नहीं कर रहा है ना, तो सबसे पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद आपके फ़ोन में ये गूगल का ऐप है, इस गूगल के ऐप को ओपन करना है। ठीक है, अब देखिए इस ऐप के अंदर आपको ना सबसे ऊपर ये प्रोफाइल पिक्चर होती है, प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना है। अब आपका ये पेज आता है, इसमें आपको नीचे सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपका ये पेज आता है, इसमें आपको नीचे गूगल असिस्टेंट में टैप करना है। अब यहां पर आपका एक और पेज आता है, ठीक है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन है हे गूगल एंड वॉइस मैच, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, तो यहां पर आपका एक और पेज आएगा। ठीक है, अब देखिए इस पेज में आपको पहले तो दिस डिवाइस लिखा है ना, दिस डिवाइस पे टैप करना है, तो आपको नीचे इतना ये पेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हे गूगल लिखा हुआ है ना, हे गूगल के सामने वाले बटन को टैप करके ऑन करना है। तो इस बटन को आप टैप करेंगे ना, तो एक पेज आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस पेज में आपको नीचे मोर पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको इसे नीचे एग्री का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, अब आपको इस पेज में दोबारा से मोर का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको दोबारा से एग्री का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपका एक पेज आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल इज रेडी। ठीक है, तो आपको नीचे की साइड नेक्स्ट का ये बटन आपको टैप करना है। तो यहाँ पर आपका एक और पेज आएगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले पेज में आपको है ना फिलहाल के लिए इसे नीचे की साइड ये नॉट नाउ का ये ऑप्शन टैप करना है। ठीक है, तो आपका वापस से जो है वही पेज आ जाता है ये वाला। ठीक है, इस पेज में देखिए आपका ये हे गूगल के सामने वाला बटन ये ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इतना प्रोसेस आप करेंगे ना, तब जाके आपका ये बटन ऑन होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, बैक पेज पे जाना है, इसके भी बैक पेज पे जाना है। तो आपने जो गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना स्टार्टिंग में, इसके नीचे आपको है ना वॉइस का ये ऑप्शन टैप करना है। ठीक है, अब इस पेज में आपको स्पीच आउटपुट का ये ऑप्शन टैप करना है। इस पेज में अगर आपका नोन के आगे टिक मार्क लगा हुआ है ना, तो इसे चेंज करके फुल पे टिक मार्क लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से फुल पे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो दो प्रोसेस आपको बताया ना, दोनों प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, इससे आपके गूगल असिस्टेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।